हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑट टू वर्सेस शुड के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑट टू की। ऑट टू एक मॉडल वर्ब होती है, एंड आई होप सो आप सभी को मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होगा। चलिए थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। मॉडल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी या नेसेसिटी को शो करती है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हुए यह मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। मॉडल वर्ब्स पर टेंस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब्स की फॉर्म्स में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड एट्सेट्रा, ये सभी मॉडल वर्ब्स होती हैं। अब बात करते हैं ऑट टू की। याद रहे ऑट टू सिमिलर होता है शुड मॉडल वर्ब के। जी हाँ, शुड भी एक मॉडल वर्ब है। ऑट टू और शुड दोनों की हिंदी मीनिंग चाहिए के अर्थ में ही लगाई जाती है। चूंकि इन दोनों ही मॉडल वर्ब्स की मीनिंग एक जैसी होती है, इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी इन्हें एक दूसरे के प्लेस पर यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगी। नंबर वन, ऑट टू इज यूज्ड लेस फ्रीक्वेंटली, यानी ऑट टू का यूज इंग्लिश बोलते या लिखते समय ज्यादातर कम किया जाता है, जबकि शुड इज यूज्ड वेरी कॉमनली, यानी शुड का यूज ऑट टू की अपेक्षा सामान्य रूप से अधिक किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार हम ऑट टू और शुड का यूज सेंटेंसेस में करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, सो डोंट स्किप द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है टू एक्सप्रेस अ मॉरल ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन, यानी जब भी हमें किसी प्रकार के मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व या जिम्मेदारी और अपेक्षा को व्यक्त करना होता है, तो वहां पर हम सेंटेंस में ऑट टू का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में सेंटेंस। सेंटेंस है पीपल ऑट टू बिहेव नाइसली टू ईच अदर, लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस सेंटेंस में एक मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, यानी नैतिक दायित्व की, जिसके लिए हमने ऑट टू का यूज किया है। ऑट टू के अलावा इस सेंटेंस में हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शुड की मीनिंग भी होती है चाहिए, और ऑट टू की मीनिंग भी होती है चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन यानी किसी नैतिक दायित्व या जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो वहां पर हम ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस। We ought to follow all the traffic rules. हमें यातायात के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस सेंटेंस में भी हमने ought to का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सभी के द्वारा यातायात के नियमों का पालन किए जाने की, जो कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। आई होप फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। इट कैन नॉट बी यूज विद अनदर मॉडल वर्ब्स, यानी ऑट टू का यूज किसी अन्य मॉडल वर्ब्स के साथ नहीं किया जा सकता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस देखिए, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑट टू कैन बी फ्री इन ईच स्कूल। इस सेंटेंस में यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन सेंटेंस में हमने ऑट टू के साथ कैन मॉडल वर्ब का यूज कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑट टू के साथ हम किसी दूसरी मॉडल वर्ब को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑट टू बी फ्री इन ईच स्कूल। यहां पर हमने सिर्फ ऑट टू का यूज किया है, जो कि बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। इट इज रेयरली यूज्ड इन क्वेश्चन सेंटेंस, यानी ऑट टू का यूज बहुत ही कम क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस देखिए, ऑट द स्टूडेंट्स टू कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। इस सेंटेंस में यह कहा जा रहा है कि क्या छात्रों को प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। जी हाँ, यह एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें ऑट को सबसे पहले लगाया गया है, ऑट के बाद लगाया गया है सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, और उसके बाद टू को ऐड कर दिया गया है। टू के बाद लगाई गई है मेन वर्ब, और उसके बाद अन्य शब्दों को जोड़ा गया है।
Friends, remember one thing. Don't use here any other auxiliaries like do, does, did. यानि आपको ऐसे sentences में कहीं पर भी दूसरी अन्य auxiliaries जैसे do, does, did का use नहीं करना है. Sentence देखिए. Does the students ought to complain to the principal? यहाँ पर इस sentence में हमने ought to का तो use किया है, साथ ही साथ does का भी use कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत होगा. हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ought to का यूज बहुत ही कम किया जाता है, हम इसके प्लेस पर should का यूज कर सकते हैं. देखते हैं अगला पॉइंट. इन नेगेटिव सेंटेंस not will add between ought and to. यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और ought to का यूज कर रहे हैं, तो आपको not ought और to के बीच में लगाना होगा. आइए देखते हैं एग्जाम्पल में. सेंटेंस देखिए. We ought not to break the traffic rules. यानी हमें यातायात के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए. अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है. यहां पर हमने not लगाया तो है, लेकिन उसे ought और to के बीच में लगाया है. अगेन रिमेंबर वन थिंग. इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड टू oughtn't to also. यानी ought to को हम उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म oughtn't to के साथ भी यूज कर सकते हैं. सेंटेंस देखिए. We oughtn't to fight each other. यानी हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए. फ्रेंड्स, आप सभी को यह याद रखना है. The negative use of ought to is not more common. Should not and shouldn't is commonly used in sentences. यानी ought to का नेगेटिव यूज सेंटेंसेस में सामान्य रूप से बहुत कम किया जाता है, जबकि should not और shouldn't का यूज सामान्य रूप से सेंटेंसेस में काफी अधिक किया जाता है. आइए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहले वाले सेंटेंस को देखिए, जिसमें मैंने ought not to का यूज किया था. अब इसी सेंटेंस में हम ought not to को हटा करके इसकी जगह पर should not लगाएंगे, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा. We should not break the traffic rules. यानी हमें यातायात के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए. जी हाँ, should not के यूज किए जाने पर भी इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आया है. इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस को देखिए, जिसमें मैंने oughtn't to का यूज किया है. अब यदि इस सेंटेंस में oughtn't to को हटा करके shouldn't लगा दिया जाता है, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा. We shouldn't fight each other. यानी हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए. इस सेंटेंस में भी shouldn't के यूज किए जाने पर सेंटेंस की मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आया है. चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट. When the statement is in the past, यानी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या वाक्य जिसमें हम ought to का यूज करने वाले हैं या should का, जो कि पास्ट टेंस में है, तो वहां पर हम ought to और should को कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे. इसके लिए आपको फॉर्मूला देखना होगा. ध्यान से देखिए, सबसे पहले यूज करेंगे हम ought to का. ought to के बाद लगाएंगे have, और have के बाद मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जाएगी, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं. या फिर यदि हम should का यूज कर रहे हैं, तो should के साथ आएगा have के बाद लगाई जाएगी अगेन मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सेंटेंस देखिए. वी ought to have respected our teachers. यानी हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए था. जी हाँ, सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसीलिए हमने चाहिए था के अर्थ में ought to का यूज किया है, जो कि सब्जेक्ट के बाद लगाया गया है. इसके बाद हमने लगाया है have, और have के बाद हमने ऐड कर दिया है मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रिस्पेक्टेड, और इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है. अब इस सेंटेंस में ought to के अलावा हम यूज कर सकते हैं should, यानी सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा. वी शुड हैव रिस्पेक्टेड अवर टीचर्स. यहां पर should के लगाए जाने से इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा. ध्यान रहे, ought to और should ये दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं जिनकी मीनिंग सेम होती है, लेकिन ought to का यूज उस कंडीशन में किया जा सकता है जिसमें हम किसी प्रकार के मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व या कर्तव्य या फिर एडवाइस या रिकमेंडेशन की बात इन जनरल कर रहे होते हैं. इसके अलावा यदि हम अपने ही किसी ओपिनियन की बात कर रहे हैं जिसमें कोई कार्य होना चाहिए, तो वहां पर हम should का यूज कर सकते हैं. आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को ought to एंड should का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.